दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पता कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से कि हमारे बैंक अकाउंट में आधार, NPCI या फिर DBT लिंक है या फिर नहीं है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, NPCI और DBT ये दोनों एक ही होते हैं और ये आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में आधार, NPCI और DBT लिंक नहीं है तो जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ बहुत से ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं जिनका पैसा DBT के जरिए सेंड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे PM किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई योजनाएं हैं, इनका भी पैसा DBT के माध्यम से ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपका बैंक अकाउंट आधार, NPCI या फिर DBT से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि आपका अकाउंट DBT से लिंक है या फिर नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें आपको सर्च करना है DBT, ये लिख के आपको सर्च कर देना है DBT, ये लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है आपके सामने, आप यहां देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा DBT भारत वाली वेबसाइट, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद ऊपर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ, सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस फाइंड नियर बाई बैंक, सिंपली आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं, वेलकम टू माई आधार वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद नीचे की साइड आप स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है, बैंक सीडिंग स्टेटस, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो भी आपका आधार नंबर है आधार नंबर डाल देना है और ये वाला कैप्चा इसमें फिल कर देना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो OTP आएगा यहाँ पे फिल कर देना है नीचे वाले में। तो चलिए देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद ये कैप्चा आपको डाल देना है, जो भी कैप्चा है वो कैप्चा आपको डाल देना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP पहुंच जाएगा जो भी आधार से लिंक रहेगा। आधार को यहाँ पर जो आधार OTP आया है वो डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, यहाँ देख सकते हैं अभी नहीं हुआ है। फिर से आपको दोबारा वही काम करना है जैसे आप गए थे, फिर से दोबारा वही काम करना है। फिर क्लिक करेंगे उस पर, फिर से आधार नंबर आप डालेंगे, फिर से आप कैप्चा डालेंगे, जो भी आपका कैप्चा है फिर डाल देना है आपको। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। अभी थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर फिर से OTP आ जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना है, अभी कुछ देर में ये OTP आ जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, वेट कीजिएगा आप लोग, इंतज़ार करिए, अभी OTP आ जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ऐसे ही देखिए जैसे मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आधार, NPCI, DBT लिंक है या फिर नहीं है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी OTP आएगा, थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना है। OTP आ गया है, OTP डाल देना है आपको। OTP डालने के बाद नहीं आया अभी तक, अभी OTP नहीं आया है। OTP आएगा तो OTP डाल देना है आपको। देखिए OTP आ गया है, ये OTP आपको डाल देना है यहाँ पे।
ओटीपी डाल देना है यहाँ पे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसी पेज पे, आप यहाँ देख सकते हैं। अब फिर से आपको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है तो यहाँ देखिए बैंक मिल जाता है, बैंक सीडिंग स्टेटस, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं ये देखिए आपके सामने लिख के आ गया, कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, यहाँ लिखा है बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव, मतलब ये एक्टिव है तो लिंक है, अगर यहाँ कुछ भी लिंक नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। तो गाइस इसी तरह से आप पता कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक है या फिर नहीं है। तो गाइस वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।